हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा किचन डीप क्लीनिंग रूटीन। सो ये घर पे थे तो इसी वजह से इन्होंने ट्रॉली जो है मुझे निकाल के दे दी थी, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा मेरा काम हल्का हो गया था, क्योंकि मुझे ट्रॉलीज निकालने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और मुझे एक्चुअली क्या बताऊँ कि आता भी नहीं है। मतलब कभी कोई निकल जाती है, कभी कोई नहीं निकलती है, इसी वजह से मैं इनको ट्रॉलीज निकाल के मांगती हूँ। बस ये निकाल के दे देंगे, उसके बाद ये ड्यूटी चले जाएंगे। और इनकी हेल्प कर रहा है अद्विक, आप देख सकते हो। अद्विक जब भी हम लोग काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो बीच बीच में अद्विक आता ही है और वो हमारे काम, एक तो मतलब काम करने नहीं लगता है, एक तो बढ़ाता है, तो इसी वजह से। और कोई भी काम अगर हम निकालते हैं कुछ भी चीज़, तो वो उसमें कुछ ना कुछ करते ही रहता है। तो इस तरह से ये सारी ट्रॉलीज़ को निकाल के दे देंगे, तो उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाएगा। बस कुछ ट्रॉलीज इस तरह से जो आपको आगे दिख रही है, तो वो ट्रॉलीज है, और इधर उधर से सिर्फ वो क्या बोलते हैं तो गेट है, दरवाजे हैं सिर्फ, तो इसी वजह से ट्रॉलीज ज़्यादा नहीं है। और इधर की साइड में जो बेसिन के पास है, इधर की साइड में दो ट्रॉलीज है, तो इस तरह से ट्रॉलीज है। और वो ट्रॉलीज के मतलब थोड़ा सा सामान भी मेसी हो गया था एक्चुअली ट्रॉलीज में से, तो इसी वजह से वो सारा साफ भी करना है, अंदर का सामान भी क्लीन करना है, मतलब जो बर्तन वर्तन है वो भी क्लीन करने हैं, जो क्या बोलते हैं जैसे बर्नी वर्दियाँ हैं तो वो भी क्लीन करनी है मुझे। उसके बाद जो किचन के अंदर है वो भी क्लीन करना है, तो यहाँ पर मैं क्लीन करने लग गई हूँ। सारी ट्रॉलीज इन्होंने निकाल के दे दी है मुझे। और आप सभी को पता है मेरी तबीयत ख़राब थी गाइस, इसी वजह से थोड़ा सा मुझे क्लीनिंग में प्रॉब्लम हुआ और थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो, इसी वजह से लेट हुआ है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और तबीयत से अभी मैं ठीक हुई हूँ, और इसी वजह से अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है ये वीडियो। इसी वजह से मैं सबसे लास्ट में क्लीनिंग मतलब क्या बोलते थे इसे किचन की कर रही हूँ, इसी वजह से सबसे लास्ट क्लीनिंग किचन की हो रही है। और अभी थोड़ा बाथरूम भी क्लीन करना बाकी है, मैंने बीच में थोड़ा सा क्लीन किया था बट वो इतना अच्छे से नहीं हुआ, क्योंकि मतलब मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो मुझे लगा कि और एक बार क्लीन करना चाहिए। तो बाथरूम क्लीनिंग का वीडियो भी जल्दी आएगा आपके लिए, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसी वजह से अभी किचन का वीडियो देख लीजिए। और किचन का ये सिर्फ क्लीनिंग का वीडियो है, ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो आने वाला है आप लोगों के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो देखना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और कुछ मैंने अपने किचन में डिफरेंट किया है, आप जैसे रेगुलर देखते हो उससे कुछ अलग किया है, तो वो आप देख लोगे। थोड़ा सा डेकोरेट किया है मैंने अपने किचन को, और मैंने कुछ चीज़ें भी मतलब ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से, वो वीडियो ऑलरेडी आपने देख लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। और इस तरह से मैं सबसे पहले सारे मतलब जो थोड़ा सा स्क्रब लेके टाइल्स को घिस लूँगी और इस तरह से उसे पोछ लूँगी, ताकि पहले गीले कपड़े से पोछूँगी, उसके बाद ड्राई कपड़े से पोछूँगी, तो उसके उससे वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा नीचे का टाइल्स। और हाँ गाइज, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मतलब किचन बनवाने के टाइम पे मैंने पीछे टाइल्स लगवानी चाहिए थी, तो पीछे से मैंने टाइल्स नहीं लगवाई, डायरेक्ट मैंने क्या बोलते हैं तो ट्रॉलीज लगवाई। अगर आपका किचन बन रहा है तो आप पीछे से टाइल्स लगवाइएगा, तो उसके बाद आप जैसे वॉल में आप देख रहे हो ना, तो उस मतलब उस पे वॉल पे तो आप टाइल्स लगवाइएगा, उसके बाद आप ट्रॉलीज लगवाइएगा, तो उससे मतलब क्लीनिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप देख सकते हो अभी मैंने टाइल्स नहीं लगवाई, तो मुझे क्लीनिंग में प्रॉब्लम होगा, और आप मतलब वहाँ पर कलर भी नहीं जाएगा, तो इसी वजह से। और आप बस इस तरह से मैं अभी कर लूँगी, और हो गया है मेरे मतलब नीचे का क्लीन अप, तो उसमें का ही क्लीन करना बाकी है मुझे। और इतना ज़्यादा मेसी हो गया था गाइस मेरा, मतलब पूरा निकालने के बाद मैं मतलब सोच रही थी कि कहाँ से स्टार्ट करूँ और कौन सी चीज़ पहले लगाओ, मतलब सारी चीज़ें निकालने के बाद ना, निकालने के टाइम तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब जल्दी जल्दी निकालो और हो जाएगा ऐसा लगता है। यहाँ पर ट्रॉलीज है गाइस, मतलब यहाँ पर ऊपर बेसिन है और नीचे साइड में जहाँ पर मैं बर्तन का स्टैंड रखती हूँ उसके जस्ट नीचे ट्रॉलीज है दो, तो थोड़ी सी बड़ी ट्रॉलीज है, मतलब बड़े बर्तन आप उसमें रख सकते हो। तो जब मैं ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, तब आप देख ही लेना कि किसमें मैंने क्या रखा है। बस इसी तरह से मैं उसे क्लीन कर लूँगी। और थोड़ा सा बेसिन के पास का एरिया ना थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा होता है, क्योंकि कभी कभी पानी टपक जाता है नीचे, तो इसी वजह से इधर की साइड में वो आ जाता है। और जब ज़्यादा बेसिन में आपके बर्तन हो जाते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा पानी टपकने लगता है नीचे से, तो इसी वजह से अभी मुझे वो भी काम करना है प्लम्बर को बुला के, क्योंकि मेरे थोड़ा सा पानी टपकने लगता है। और यहाँ पर थोड़े से कॉर्नर में ना हाथ नहीं पहुँच रहा था, इसी वजह से मैंने ये वाला ब्रश लिया और इस वाले ब्रश से क्लीन कर रही हूँ। बस इसी तरह से मैं कर लूँगी जिस तरह से पहले किया था, और बस
करने के बाद इस तरह से करने के बाद उसके बाद मैं अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लूँगी, उसके बाद मैं ड्राई कपड़े से पोंछ लूँगी और बस हो जाएगा मेरा नीचे का तो क्लीन। ऐसे ही मैं क्लीन कर लूँगी सारा कुछ और उसके बाद जो कुछ बर्तन हैं ट्रॉली से निकले हुए वो भी मुझे क्लीन करने हैं। और मतलब जो क्लीन करने लायक है वही क्लीन करूँगी, जो नहीं मतलब अच्छे ही है तो वो नहीं करूँगी, क्योंकि इस बार जो मतलब बर्तन वाली आती है मेरे घर पे तो वो कहीं और चली गई है, तो इसी वजह से उसने मुझे धोखा दे दिया। तो अभी दूसरी बर्तन वाली मिल नहीं रही है और मुझे इतना पता भी नहीं है और तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो इतने ज़्यादा तो बर्तन है नहीं, मैं ही कर देती हूँ और उसके बाद जब स्टोर रूम की साफ़ सफाई करूँगी तो उसके बाद मैं वो बर्तन वाली को बुला लूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं जितने जितने बर्तन मेरे से हो रहे हैं उतने उतने मैं क्लीन कर रही हूँ। और ये वाली जो टोकरी है वो माही की बचपन की है, तो उसमें मैं जो कपड़े होते हैं मतलब जो क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ मैं हैंकी वैंकी, जो सारे कुछ कपड़े होते हैं वो मैं इसमें रखती हूँ। और बस इसी तरह से डोर वगैरह मैं पहले स्क्रब से क्लीन कर लूँगी, मतलब उसमें जो डिश वॉशर आता है उससे पहले क्लीन कर लूँगी और उसके बाद मैं अच्छे से ड्राई कपड़े से पोछूंगी उसके, सॉरी वेट कपड़े से पोछूंगी और उसके बाद मैं उसे ड्राई कपड़े से पोछ लूंगी अच्छे से। और थोड़ा सा फेस को इग्नोर करना गाइस, क्योंकि अभी अभी तबीयत ठीक हुई है तो फेस भी थोड़ा सा डल लग रहा है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा दिवाली से पहले, तो आपके साथ शेयर करूंगी ही कुछ ना कुछ करूंगी तो। और बस इसी तरह से करूंगी और फिर ट्रॉलीज़ के डोर भी क्लीन हो जाएंगे और उसके बाद जो ट्रॉलीज़ है मतलब तो उसे तो पूरा ही क्लीन करना है। ट्रॉली जो है वो गाइज मुझे बाहर जाके क्लीन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा जो मैंने बर्तन साफ़ करने के लिए या क्या बोलते कपड़े क्लीन करने के लिए हमारा जो उधर का बाहर की साइड का एरिया है जहाँ पर मैंने पत्थर वगैरह लगवाया है सॉरी, तो वहाँ पर मैं ट्रॉली को क्लीन करूँगी और वहाँ पर मैं शूट नहीं कर पाई आपके लिए, क्योंकि क्या हुआ कि वहाँ पर मुझे ट्राईपॉड लेके जाना पड़ता और मुझे मतलब थोड़ा सा उसमें आलस आ रहा था, इसी वजह से मैंने वो मतलब आपके लिए शूट नहीं किया। और यहाँ पर देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा मेसी हो गया है मेरा किचन और कहाँ की चीज़ें कहाँ लगाओ यही समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत लेट हो गया मतलब गाइज पूरा दिन मेरा इसी में निकल गया। और बस इसी तरह से मैं आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मेसी हो रखा है। और यहाँ पर माही भी थोड़ी सी हेल्प कर रही थी, मतलब कुछ चीज़ें उसने भी मुझे हेल्प की मतलब कुछ करने में। और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें निकाल निकाल के ऊपर की ट्रॉली में से क्रॉकरी में से सारी चीज़ें मैंने निकाल निकाल के क्लीन की है। क्लीन मीन्स उसे क्या बोलते हैं ड्राई हैंकी से सिर्फ पोछा है, क्योंकि ऊपर इतना धूल वगैरह तो नहीं आती, कुछ भी ट्रॉलीज में तो धूल जाती नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो दिवाली है तो डीप क्लीनिंग हो ही जाए, तो इसी वजह से मैंने सारी चीज़ें निकाल निकाल के उसे पोछा है और अच्छे से दिख रहा है। अब तो इतना अच्छा लग रहा है कि आपको क्या बताऊँ। जब आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँगी ऑर्गेनाइजेशन वाला उस टाइम आप देख ही लेना, और ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा आपको जो 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 चीज़ें आपने मेरे किचन में नहीं देखी है। और काफ़ी दिनों से आप रिक्वेस्ट कर रहे थे किचन के ऑर्गेनाइजेशन का क्लीनिंग का वीडियो बनाने के लिए, बट मुझसे हो ही नहीं रहा था, बट अभी चांस आ गया है और मिल गया है मुझे और मैं ये फाइनली आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले तो किचन का मैंने सोचा चलो इसमें ही मैं ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो अगर ऐड कर दूँ तो बहुत ज़्यादा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी वजह से मैंने दो पार्ट में इसे डिवाइड किया। और अभी आप वहाँ पर भी खाली खाली जगह देखोगे और बहुत सारी खाली जगह हो गई है मेरी इसमें मतलब किचन में, तो पहले बहुत जगह घेर लिया था मेरे किचन और इस बार तो मैंने इतना ज़्यादा खाली कर दिया है किचन और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी मुझे ही खुद को काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपने किचन में। इस तरह से यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिक्विड से क्लीन कर लिया और उसके बाद मैंने सेम प्रोसीजर से उसे अंदर से ड्राई कपड़े से और गीले कपड़े से दोनों कपड़े से पोंछा और अच्छे से क्लीन कर लिया, ड्राई कर लिया। और उसके बाद मैं आ गई हूँ ग्लास पे, तो ग्लास में इसी तरह से क्लीन कर रही हूँ जैसे पहले मैं अंदर का क्लीन किया मैंने, उसी तरह से मैं पहले ग्लास को क्या बोलते हैं लिक्विड से क्लीन कर लूँगी और उसके बाद मैं गीले से और उसके बाद मैं ड्राई से उसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और बहुत ही ज़्यादा गाइस मतलब जो ट्रॉलीज़ है या ग्लासेस है या सारी कुछ बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है मेरा जो किचन है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। उसके बाद का फाइनल लुक जो है वो आप देख ही लोगे उसके बाद, कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और सारी चीज़ें मैं अच्छे से पोछ पोछ के पहले मैंने सारी चीज़ें पोछ ली है, उसके बाद मैं इसी तरह से लगा रही हूँ।
और वो सारी चीज़ें भी इतनी ज़्यादा चमक रही थी। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग वॉश करते हैं तो उसके बाद ऐसे ही हम लोग पानी उसका गिरने के बाद अच्छे से वैसे ही रख देते हैं, तो उसके बाद उसकी शाइन थोड़ी सी कम हो जाती है। जब आप अच्छे से उसे ड्राई कपड़े से पोंछते हो ना, तो उसके बाद उसकी शाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है और उस बहुत चमकने लगते हैं। और मेरा फेस देखिए आप कितना उतर गया था, मतलब लास्ट तक तो मेरा फेस पूरा ही उतर गया था। और इस तरह से मैंने सारे कुछ चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा गाइज, मतलब इतने इतना कुछ आपको दिखता है, मतलब हमें भी, मुझे भी लगा था कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मेरा किचन तो हमेशा क्लीन ही रहता है। आप लोगों ने देख ही लिया कि किचन क्लीनिंग मैं हमेशा करती रहती हूँ, तो मेरा किचन हमेशा क्लीन ही रहता है। बट ना, जब हम लोग निकालने जाते हैं तो एक एक करके इतना ज़्यादा निकलता है और इतना ज़्यादा टाइम लगता है सारी चीज़ों में। और यहाँ सारी ट्रॉली जो है वो ड्राई हो गई थी, मैंने वॉश करके बाहर रखी थी तो ट्रॉली ड्राई हो गई थी। तो उसके बाद मैं जो मतलब कॉर्नर में आप देख सकते हो, यहाँ पर जब हैंडल हम लोग यूज़ करते हैं तब वहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी वगैरह फंस जाती है, तो इसी वजह से वो चाकू से मैं निकाल रही हूँ और अच्छे से ड्राई कपड़े से उसे पोंछ रही हूँ। और अभी मैं सारी ट्रॉलीज लगा दूँगी, और ट्रॉलीज लग जाने के बाद उसमें जो सामान है, बर्तन वर्तन है, वो मैं सारे अरेंज कर दूंगी अच्छे से। और आप देख सकते हो गैस की स्लैब पे कितना ज़्यादा मेस पड़ा है, मतलब वो देख के ही मुझे ना इतना डर लग रहा था कब होगा ये सारा कुछ। शाम होने को आई थी और मतलब कुछ भी सारा कुछ हो गया था, बट जो आप ऊपर ऊपर देखते हो ना, तो वो हमें ऐसा लगता है कि हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, बट वो सारा कुछ जो जब मैं अंदर सामान जब लगा दूंगी तो वो एक एक करके थोड़ा 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 निकलता जाएगा और थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। तो ऐसे करके मैं सारा कुछ लगा दूंगी, और उसके बाद जो गैस गैस के स्लैब पर है, सॉरी गैस के जो स्लैब पर है, वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जो जो आप प्लास्टिक के बर्निया वगैरह देख रहे हो, तो वो मैंने बाद में फिर बेसिन में डाल दी थी, वो भी मैंने वॉश कर ली थी। और गाइस किचन क्लीनिंग के बाद तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि आपको क्या बताओ, मतलब मुझसे हाँ अच्छे से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था, पहले से ही वीकनेस थी। और उसमें ये घर के काम और दिवाली थी, और ये भी काम टाल नहीं सकती थी एक्चुअली इसी वजह से, नहीं तो थोड़े दिन के बाद करती। और दिवाली नज़दीक आ रही है और मेरे किचन क्लीनिंग ही बाकी थी। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दिवाली की क्लीनिंग हो गई है कि सारे, मैंने आपको बताया भी था कि दिवाली की सिर्फ किचन क्लीनिंग ही बाकी है। और आप देख सकते हो मेरा किचन का फाइनल लुक, और फाइनल लुक इतना अच्छा आ रहा था कि मुझे देख के ही मतलब इतनी खुशी हो रही थी कि चलो फाइनली मेरा किचन जो है वो क्लीन हो गया है और मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर दिया है। और ये सिर्फ आप ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो नहीं है, ये उसके बाद भी मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं अपने किचन में, मतलब बस इतना इतना जो आप देख रहे हो ये सिंपल सिंपल सा है, उसके बाद भी मैंने बहुत सारे मतलब चेंजेस किए हैं, वॉल पे स्टिकर्स लगवाए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं यहाँ पे। तो आप देख लेना उसके बाद का वीडियो, जब ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो आएगा तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। होम टूर का वीडियो आने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो आने वाला है, बाथरूम क्लीनिंग का वीडियो आने वाला है। और हाँ गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।